class 5 students, on the behalf of Modern Chemistry School, we will study science subjects, and from that subject we will study chapter number 1. In that chapter we have studied in the previous classes germination of seeds, then we have dispersal of seeds, we have read about the various crops, fruits and vegetables. Today we will see that some crops are grown directly in the field and some are grown indirectly. So how directly it is grown, how indirectly it is grown, we will study that. So that crops which are grown directly are wheat. You can take the example, you can take the example tea. ये सब क्या होता है, ये सब को directly crop में अगर soil अच्छे से prepare किया जाता है, उसमें अच्छे से water दे के उसे directly लगाया जाता है. Indirectly crop means एक जगह से दूसरे जगह पे जब हम ले जाते हैं एक साथ, मतलब लगाने के साथ साथ वहाँ पे नहीं होता है, उसे shift करते हैं. That is paddy, rice, you can take टमाटो, ब्रिंजल, ये सब क्या करते हैं, यहाँ पे लगाने के बाद छोटे छोटे प्लांट्स अगर हो जाते हैं सीडलिंग सोविंग के बाद दूसरे जगह पे ले जाते हैं, ले जाने के बाद वहाँ पे लगाते हैं, फिर वहाँ से वो ग्रो करता है. एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटेशन. एंड यू विल सी, यू विल फाइंड दैट इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 228. You will open that textbook in while watching your video. So students, next we will come to our daily life crop. Crops kya hai, jo hum plants, human beings ho, animals ho, kabhi kabhi animals bhi use karte hain, and plants, human beings, this hum log jo plants se milta hai na, jaise you can take the example rice, wheat, you can take the example tea, कॉटन एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स. सो इन आवर डेली लाइफ में जो चीज हम यूज करते हैं थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको जान लेते हैं. देन सो कम टू द ब्लैक बोर्ड, वी विल सी, लुक एट द ब्लैक बोर्ड प्लीज. हियर आर सम क्रॉप्स गिवन, हियर आर द सॉयल एंड द क्लाइमेट इज गिवन, देन द मेन प्रोड्यूसर्स, वेयर इन व्हिच स्टेट्स इज इन मेनली ग्रोन, इट इज मेनली ग्रोन इन व्हिच स्टेट्स, वी विल सी in our blackboard. Now we will study about the different crops, different soil texture it needs, and different climates it required, and the states that in that states it is mainly grown. So our first crop is rice. Rice is grown in clay soil. Clay soil means sticky, chip-chippy mitti. जहाँ पे वाटर कंटेंट क्या होता है ज्यादा, राइस को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, वाटर ज्यादा चाहिए हमें. इसीलिए कभी देखे हो राइस को कहाँ पे है, नदी के किनारे में ज्यादा, नदी के किनारे लगाया जाता है, क्यों, पानी के लिए, पानी राइस को वाटर ज्यादा चाहिए. एंड क्लाइमेट दैट इज नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ इज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. You will see hot and humid climate means गर्म और बारिश वाले मौसम में ज्यादा पैदावार होते हैं, जिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट यू कैन सी द मेन प्रोड्यूसर्स, कहाँ कहाँ पे ये होता है, यू कैन सी उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड मेनी मोर आर देयर. सो इन दिस स्टेट्स इट इज मेनली ग्रोन. नेक्स्ट क्रॉप दैट इज व्हीट. हमने गेहूं खाया, गेहूं के नॉट डायरेक्टली, रोटी खाते हैं ना, रोटी खाते हैं हम लोग, ब्रेड खाते हैं, ये सब किससे मिलता है, वीट से. और वीट मेनली कौन सा सॉइल में होता है, लूमी सॉइल. लूमी सॉइल में क्या ज्यादा होता है, ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होता है, ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होता है. एंड इट इज फाउंड इन द टॉप लेयर के पास, सॉइल का जो टॉप मोस्ट लेयर है उसके नीचे में लूमी सॉइल होता है. एंड दिस वीट, ये वीट जो होता है ये लूमी सॉयल में अच्छे से ग्रो करता है. इसके लिए, वीट के लिए क्या चाहिए, हमें गुड इरिगेशन चाहिए, पानी का जो हम क्रॉप ग्रो करने के बाद जो पानी देते हैं वो ज्यादा चाहिए. नेक्स्ट इज कोल्ड क्लाइमेट. हमारा क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, ठंडा क्लाइमेट. उत्तर प्रदेश में ठंड जब आती है तब बहुत ज्यादा आती है. देन वी कैन से दैट here you can see Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, these all states have
दैट मौसम, वहाँ की जो वेदर मौसम जो होती है ना, थोड़ा ज्यादा ठंडी होती है एंड वेट इज मेनली ग्रोन इन दिस स्टेट्स. नेक्स्ट, अवर नेक्स्ट क्रॉप इज मेज. मेज के लिए क्या चाहिए? ड्राई सॉइल चाहिए, सूखी सूखी मिट्टी चाहिए जहाँ पे कम पानी होता है, लेस वाटर. वेदर कैसा होना चाहिए? वार्म होना चाहिए, ना ठंडा और ना एकदम गर्म होना चाहिए, वार्म वेदर चाहिए. एंड कौन सा स्टेट्स में होता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका. ऑल दिस स्टेट्स, इन दैट स्टेट्स मेज इज ग्रोन. मेज क्या है? मकई. मकई से हम और क्या खाते हैं? पॉपकॉर्न खाते हैं ना मकई का. नेक्स्ट इज आवर टी, चाय. हमारे घर में हमारी मम्मी, पापा, दादी, ग्रैंडफादर, ऐसे सभी क्या करते हैं? चाय पीते हैं ना. तो अभी हम चाय के बारे में देखेंगे. चाय कहाँ पे होता है? माउंटेनियस सॉयल. माउंटेन का जो सॉयल होता है ना, पहाड़ों की जो मिट्टी होती है, थोड़ा हार्ड टाइप की होती है, ये सब में ये जो टी होती है ये ग्रो करती है. उसके बाद इससे वाटर जो चाहिए वो ज्यादा चाहिए. एंड जो वाटर, ऐसा नहीं है वाटर देने के बाद जमना चाहिए, जमना नहीं चाहिए. दिस इज द मेन पॉइंट यू हैव टू सी दैट वाटर अगर हम इरीगेट करते हैं तो वाटर क्या होना चाहिए? ड्रेनेज चला जाना चाहिए, वहाँ पे स्टोर नहीं. ऐसा होने से क्या होगा? अगर वाटर ड्रेन नहीं होता है प्रॉपरली, देन हमारा जो चाय का जो पेड़ है वो सर जाएंगे, वो नहीं होगा. एंड यू कैन टेक द एग्जाम्पल, मेन प्रोड्यूसर्स कौन से स्टेट्स में ये मेनली ग्रो करता है? दैट इज असम, यू कैन सी वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका. आवर स्टेट ओनली इट ग्रोस मेनली. सो नेक्स्ट यू सी कॉटन. कॉटन के कपड़ा पहनते हैं ना हम लोग गर्मी सीजन में. ये कहाँ, कौन से स्टेट में से आता है कॉटन? वी विल सी दैट. कौन से सोयल में ग्रो करते हैं? कौन से क्लाइमेट चाहिए? वी विल सी दैट. सोयल ब्लैक सोयल, काली मिट्टी की जरूरत होती है एंड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की भी जरूरत होती है. गर्म और बारिश वाले मौसम में ये ग्रो किया जाता है. नेक्स्ट इज कौन से स्टेट्स में होता है? गुजरात एंड महाराष्ट्र. सो स्टूडेंट्स, we have seen that different crops need different soil, like rice need clay soil, wheat need loamy soil, maize needs dry soil, tea needs mountainous soil and cotton needs black soil. And the climate, it needs proper climate for its growth. You can see here, and the main producers where these crops are grown, you can see. And you will find this in your textbooks, page number 228 of your textbook. So students, you study at home. Thank you for today.